कि ऐप आ रही है, ऐप आ रही है, ऐप आ रही है, तो अब आपको हमारे तक आने की जरूरत नहीं। खड़े हो जाओ, चाय पी लो यार। आप तो लड़के हो, मैं तो अकेली जा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो देख सकते हो ऑफिस से कर रहे हैं, और ऑफिस आ गए थे बहुत जल्दी। उससे पहले कि कुछ और दिखाऊँ मैं आपको, एक बार भैया मेरा आप लुक दिखा दो। जुकाम है थोड़ा सा। तो हमारे अनुज भैया हो चुके हैं बीमार, जुकाम आ चुका है हमारे घर में। आपके भी है कुछ जुकाम बुखार? क्या बुखार हो रही? प्रीति बच के रहना, इन सबको बुखार हो रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, तो एक दूसरे को होता है ये। तो गाइज ये इधर एक एडिटिंग चल रही है। एडिटिंग किस चीज की चल रही है वो भी मैं बता देती हूँ। हमारी एक ऐप जो पिछले कितने टाइम से हम रेगुलर बोल रहे हैं कि ऐप आ रही है, ऐप आ रही है, ऐप आ रही है, और वो जो ऐप है वो बहुत जल्दी मतलब 15th of October को आपके iPhones और नहीं सॉरी पहले एंड्रॉयड में आएगी ना, एंड्रॉयड में आपको मिल जाएगी पार्लर वाली के नाम से। अभी दोबारा बता देती हूँ, पार्लर वाली आप सर्च करोगे तो हेयर गार्डन की जो ऐप है पावर्ड बाय हेयर गार्डन, पार्लर वाली सर्च करोगे तो वो आपके फोन्स में 15 तारीख से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसमें आप बुकिंग करोगे, हमारे जो एम्प्लॉई होंगे वो आपको घर आके सर्विस देंगे। तो कई लोग जो मेरे से पूछते हैं कि मैम दिक्कत हो रही है आपके वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जैसे हेयर एक्सटेंशन भी करवाने होते हैं तो मेरे को बहुत सारे कमेंट भी ऐसे आते हैं कि हम कैसे करवाएं, मैसेजेस बॉक्स में होता है कि आप हमने वहां तक हम आ नहीं सकते। तो अब आपको हमारे तक आने की जरूरत नहीं है, हम आप तक जाएंगे, हम आपके घर आके और हेयर एक्सटेंशन करवाएंगे आपकी, अच्छी अच्छी आपको सर्विस करवाएंगे, नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, पार्लर वाली हमारी ही ऐप है, मतलब ये गार्डन आप तक पहुंच रहा है। तो 15 तारीख से फटाफट से जाके इस ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दो, और जितना ज्यादा हो सकता है उसको शेयर करना शुरू कर देना, बाकी की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो गाइस इधर ये आंटी के हाथ में पेटियां देख रहे हो, आंटी भागी पेटियां लेके, इधर प्रीति पेटी मांग रहे थे। मैंने एक पेटी मांगी, वो दो पेटियां लेके प्रीति मांग रहे थे सर से, रजनीश से बोल रहे थे कि एक पेटी दे दो अमाउंट पेमेंट, और वो आंटी दो पेटियां उठा के ले, सच में पेटी ले रहे थे। तो गाइस यहाँ पे पैसों का जो लेन देन है पेटियों में हो रहा है। आंटी वो पेटी थोड़ी मांगी थी इन्होंने, पैसों की पेटी मांग रही है, पैसे 1 लाख नोटों की तो है नहीं हमारे पास, मनु ने दे सादा सर्दी तक तन्नु ना दी ले। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो आज वही सेकंड डे है, कल का व्लॉग हम पूरा ही नहीं कर पाए। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि जो हमारी ऐप आ रही है, ऐप का क्या सिस्टम चल रहा है कि बैक टू बैक इतना काम है ना कि मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो इतना काम हो गया था कल भी कि सारा ही दिन उसमें निकल गया, इतनी फ़ोन कॉल्स, इतना कुछ, क्योंकि 15 तारीख को ऐप जो है पार्लर वाली जो ऐप है हमारी वो आ जाएगी हर फ़ोन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी मतलब ऐसी एक्साइटमेंट है और इतना सब कुछ चल रहा है ना, इतना सब कुछ, तो उसी वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी सुबह उठी थी, चाय लेके आई हूँ, और उधर रजनीश जी जो है वो सो रहे हैं। ना खड़े हो जाओ, चाय पी लो यार, पी लो फिर चलते हैं। फ़ोन भी बंद पड़ा है, उसको ऑन करो, लोग कॉल करने लग गए होंगे। तो गाइस एक फ़ोन है जो ऐप के लिए जो हम फ्रीलांसर्स हायर कर रहे हैं, वो मैं घर पर लेके आती हूँ रात को, तो उसको भी देखना होता है। सारी कॉल्स मैं खुद ले रही हूँ एक बार, उसके बाद टीम खुद संभालेगी, बट पहले खुद देखूंगी सारा कुछ। तो उसमें क्या है कि जो हम फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ के, और हम उनको लीड प्रोवाइड करवाएंगे उनकी ही सिटी में, जिनको होम सर्विस लेनी है, जो हमसे बुकिंग करवाएंगे, तो हम उन फ्रीलांसर्स को वो लीड देंगे और वो वहाँ पे जाके अपनी सर्विस करके आएंगे और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपके कोई नॉन ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर या जो हो जो हमारे साथ जुड़ना चाहता हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। नंबर जो रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी मैं चाय पानी पी लेती हूँ, देखो चाय आ चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी भी सुन लो आप लोग। मेरे को उठाते उठाते खुद अभी तक लेटी हुई है। लेटी क्या हुई है? और क्या था? मैं तो दोबारा लेटी हूँ। तो खड़ा हो जा। कैसे खड़ी हो जो? तुम्हें पता है क्या? मेरा बच्चा सो रहा है इधर, देखो इधर देखो। आज ये कहाँ से आ गया? ये देखो, काम देख लो इसके, जाग रहा है, बड़ा गंदा है, और ऐसे करके लेटा रहेगा ऐसे बन के बीच में, और मैं ऐसे उठूंगी ना तो फिर ये भी परेशान हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ 1 घंटा और सो जाए, आप अपना तैयार होके जाओ, मैं लेट आऊंगी। मैं अपना बच्चा रजाई की मैं मुंह दे के सोता है। अब भी सर्दियाँ आ गया, अब इसका काम ही हो गया ऐसी, और ऐसे पास में लग के सोएगा, फिर उठेगी तो मेरे को पता चल जाएगा उठ चुकी है, देख लो। ये महाराज अभी अभी उठ के तैयार होने की तैयारी में,
गुड मॉर्निंग। जुकाम एक छोटी मोटी प्रक्रिया, ये मौसम का दस्तूर है, उतर रहते आता रहता जाता रहता है। इधर देखो, इधर देखो, इसको उसकी आवाज आ गई, कैसे भाग आ गया। इसमें घोड़े की सी शेप आती है ना। तू सो जा, सो जा, तेरे चक्कर। ये हमारे आगे है चाइनीज, ये कल आई थी लड़की पूरा दिन। क्या मैं कल वहां मिलती थी? अभी अभी मैंने भाई, तो मैं कॉल किया था कल रात को। मैं रात जल्दी सो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कल ना, बहुत बॉडी एक थे तो वहाँ पे इंजन आ चुकी है। एक किसी ने पूछ रखा था इंजन कहाँ से है, कमेंट करके हम बता देते हैं। टेंजन चाइना से है और चाइना हमारे बगल में है। ये मजाक करते हैं, टेंजन जो है वो तिब्बत से है। तिब्बतन गर्ल है ये। कैसी दिल है? अब इसने क्या पूछा वो हमें नहीं पता। मैंने बोला नमस्ते इन माय लैंग्वेज। हाँ, वेरी नाइस। अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बस अभी हम चाय चाय पी के हटे हैं बस। कल मैंने बहुत मिस किया, मैंने बोला मेरी ट्रेन जो नहीं आई। मैं नया गाँव गई थी, तुम पता, रजनीश ने बताया मुझे सुबह। तो गाइस अभी हम थोड़ा आपस की वार्तालाप कर लें, फिर मिलते हैं। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? लिखा पढ़ी सुबह सुबह 11:30 बजे हैं सबसे पहली बात तो। तो गाइस पहुंच चुके हैं सलोन, और सलोन आते ही आज पूरी हमारी टीम है उधर, हमारे अनुज भैया भी लगे हुए हैं, मैं भी उधर, सब लगे हुए हैं। क्योंकि जो कल एड डाली हुई है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर किसी को इसमें हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स एक्चुअली हायर कर रहे हैं, तो उसकी जो जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं सबके डिटेल रखी जा रही है। अगर किसी के साथ हो रहा है हमारा टाइप तो उनकी डिटेल भी रखी जा रही है, वो काम करने में लगे हुए हैं। बाकी एक दो दिन आपको ब्लॉग यही दिखने वाला है, क्योंकि हम अभी कुछ और कर नहीं पा रहे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इतना बिजी कर दिया रजनीश जी ने इन चीज़ों में। अनुज भी अभी ऐसे हाथ रख के देख रहे हैं। तुम क्यों उदास हो रही है? हेलो अनुज भी, आपके लिए वो आ रहे थे मैसेज की, अनुज भी को भी बोलो कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। भाई ये लड़का इतना आलसी हो गया ना, इधर दिखाना मेरे को, बहुत आलसी हो रहा है, इधर दिखाना मेरे को, दिखाओ इतना आलसी, अपना ब्लॉग भी नहीं ले रहा। ये भी नहीं शाम को कहीं 10 मिनट घूमने चला जाए बंदा, बाहर निकल जाए। आप तो लड़के हो, मैं तो अकेली जा नहीं सकती क्योंकि मेरे को अजीब लगता है। आप तो नक्कू के साथ भी जा सकते हो इधर उधर घूम के, जाते थे रोज, ब्लॉग नहीं लेता बस। लगता है कि आप ब्लॉग बनाना है तो मैं बनाता हूँ, ऐसे ऐसा कुछ नहीं। लोग आपकी डेली लाइफ देखना पसंद कर रहे हैं। मेरे पास कल 3 से 4 कमेंट इसी चीज के थे, आप पढ़ लेना कि अनुज भैया को बोलो तो ब्लॉग डाल देता हूं, अभी डाल देता हूं। कि अनुज भैया क्यों नहीं डाल रहे हैं लोग? तो भाई हम आलसी और क्या, और कुछ नहीं है, बस सारा दिन इधर उधर हंस खेल के टाइम पास करे। जितना ये बकवास करते है ना ऑफ कैमरा, अगर इनकी सारी रिकॉर्डिंग करके डायरेक्ट सीसीटीवी की भी डाल देना, आप हंस हंस के मर जाओ। जितनी उल्टी सीधी चीजें ये करते हैं पर दिखाना नहीं चाहते, काम ये चाहते हैं कुछ और से दिखाए। कल मैं पूरे सीसीटीवी की वीडियो बनाऊंगा। हाँ पूरे सीसीटीवी डाल दो, पूरा दिन इनकी हरकतें ही डाल दो, वही बहुत सही चलेंगी जो तुम लोग करते हो। मतलब तब तो एक्टिंग कभी उसकी, रामपाल यादव क्या नाम है उसका, कभी राजपाल यादव, कभी उसकी, कभी किसी की, कभी कुछ, कभी कुछ। कैसे करता दिखा? एक डायलॉग आपका फेवरेट उसका, कैसे कैसे नाम देते हो आदमी को, औरतों का नाम देते हो, बड़ी नानचोपी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसके साथ। नहीं हमने कब कहा तेरे को? तो टैलेंट जो है वो अनुज भैया में भी कूट कूट के भरा है, बट नहीं कूट 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 के भरा है मुझे, कूट कूट के, इसलिए वो कोई आपका कोई जार लेते हैं पहले मुझे कूटा फिर भरा। उसमें अगर कूट कूट के भरे का मतलब होता है कि कोई बॉक्स लिया उसमें चीज अगर नहीं जा रही तो ऊपर से कूटो उसको, थोड़ी और डालने की कोशिश करो, फिर कूटो, फिर थोड़ी और निकल लेना ना दिक्कत ही अब वो जम चुका है टैलेंट अंदर, इतना कूट के भर दिया वो, अब जम रहा है वो, निकल नहीं रहा, वो निकाल लेंगे थोड़ा सा, हम इधर वाला फ्री हो जाए फिर हम करते हैं कुछ अच्छा सा। चलो भाई आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। नहीं अभी एंड का तो इतना लंबा बोल रहा है तो बहुत है इतना तो। चलो ठीक है कर दो एंड, मिलते हैं फिर अभी से ही दूसरे ब्लॉग की हम शुरुआत कर देंगे। अब ब्लॉग ऐसे ही मिलेंगे आपको, मिलते हैं अगले ब्लॉग के लिए जो कि आपको कल देखने को मिलेगा, देखना जरूर क्योंकि नई एक्टिविटी मैं बहुत जरूरी करूँगा।